हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं आज 8:30। तो हम लोग हो चुके हैं तैयार। तो तैयार हो गए हैं इसका मतलब हमें कहीं जाना है। तो चलो निकलते हैं फटाफट से। हम रास्ते में आगे बात करेंगे कि कहाँ जाना है अभी। तो फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं अपने पहानाला वाले लेंटर में। तो आज लगेगा हमारे यहाँ पर बिजली का मीटर। तो मीटर लगवाने वाले शायद से लेट आएंगे, तो तब तक हम उनका वेट करते हैं। हम आए हुए हैं यहाँ पर मासी जी के लेंटर के पास। तो यहाँ पर आई हुई है पद्धर वाली मासी भी। तो आज जाना था हमें ऊपर बंसु गांव की तरफ भी, जो वहाँ पर मासी जी, बंसु वाली मासी जी है, तो उनकी बेटी के घर में जाना था। तो अभी प्लान बन ही रहा है, देखते हैं जाएंगे कि नहीं। फिलहाल तो मासी जी गए हैं यहाँ पहानाला वाली मासी ऊपर छोटे छोटे बकरियों के लिए घास लाने। तो आएंगे वो, फिर पता लगेगा हमें जाना है कि नहीं। तब तक हम वेट करेंगे। और एक हमारा नीचे जो हमारा लेंटर है वहाँ पर लगना है आज मीटर भी। तो मीटर वाले आए नहीं है, पता नहीं वो भी कब तक आएंगे, उनका भी वेट करेंगे। जिन्होंने पिंक सूट लगाया है ये है पद्दर वाली मासी। वो साथ में है मम्मी, और पहनाला वाली जो मासी है वो चले गए हैं घास लाने। भाभी जी ले जा रहे हैं जंगल की तरफ बकरियों को। तो गांव में सभी लोग इस टाइम पर अपनी बकरियां ले जाते हैं जंगल की ओर। वहां पर है मासी जी का डॉगी भी, काला वाला। ऐसा पहली बार ही हुआ होगा जहाँ पर एक साथ सारे के सारे छोटी छोटी बकरियाँ देखो कैसे फाइट कर रही है, सारे एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं वहाँ पर भी, ये देखो। हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम लोग जाएंगे ऊपर बंसु गांव में। तो हम लोग निकल गए हैं, मासी जी भी आए हैं। पर लगा हुआ है गलगल का पेड़, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे वाले गलगल। एंड हम लोग क्यों जा रहे हैं ऊपर बंसु गांव में, तो आपको बताएंगे हम क्यों जा रहे हैं वहां पर। तो हम लोग जा रहे हैं इसलिए क्योंकि जो
पहनाला वाली मासी है, उनकी बेटी के ससुर का निधन हुआ था। तो हमारे रिवाज में जब तक चोखा नहीं होता है, मतलब शुद्धिकरण, तब तक पूरा जो भी है विधि विधान उसका निवारण नहीं होता है। तो आज है वहाँ पर चोखा, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। छाया मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है, इसीलिए मैंने इसके लिए ये बिच्छू घास रखी हुई है, तो शायद ये मुझे तंग ना करे। वहाँ पर देखो ये वापस जा रही है, रोड देखो कितनी ऊपर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक पहुँचना है हमें। पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने कि वहाँ पर दो रोड है, लास्ट वाले रोड तक पहुँचना है हमें। तो अभी तक तो हम यहीं पर ही है, पता नहीं कब पहुँचेंगे इतनी ऊपर, तो चलना तो पड़ेगा ही, गाड़ी भी नहीं है। अगर गाड़ी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। बहुत ही टाइम बाद हम पैदल चल रहे हैं, तो आप लोग ही सोचो कितनी मुश्किल है। हमें एक वैन मिली थी तो उन्होंने भी मना किया हमें ले जाने से, तो कोई बात नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। क्यों छाया, चलेंगे ना हम पैदल? यस, हम नहीं डरेंगे, है ना? तो हम लोग चल रहे हैं, अभी तक तो हम नाले के पास ही है, ऊपर चढ़ाई तो हमने शुरू भी नहीं की है, और सांस तो ऐसे भी फूलने लगी है मेरी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि मैं, मतलब कि कहीं गई ही नहीं, खासकर पैदल। गाड़ी में तो गए हैं हम, मणिकरण तो गए थे, मगर ज़्यादा चढ़ाई में नहीं गए। तो आज ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हाल होगा। वैसे भी 12 लगे हैं बजने, आए तो थे हम सुबह ही, क्योंकि आज मीटर भी लगना था, तो मीटर वालों ने कह तो दिया है कि शायद आएंगे, तो पता नहीं वो भी आएंगे कि नहीं। तो हम लोग ने प्लान बनाया है ऊपर जाने का, तो हम लोग चल रहे हैं पैदल। बारिश नहीं होती है तो ये वाला पानी बहुत ही ज़्यादा साफ दिखाई देने लगता है, इसके नीचे वाले पत्थर भी दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका बहाव भी, आवाज़ तो आ रही होगी बहुत ही ज़्यादा, मगर बहाव उतना ज़्यादा नहीं है, शांत ही लग रहा है ये नाला। यहाँ पर देखो कितना बड़ा पत्थर है। मम्मी और छाया को मिल चुकी है लिफ्ट, तो वो लोग चले गए हैं, अब बच गए हैं मैं और दो मासी जी। हमें भी लिफ्ट मिले या ना मिले कोई बात नहीं, हमें तो पैदल ही जाना है, मगर वो दोनों हमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड मैंने ले लिया है पहला रेस्ट, तो अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा है चढ़ाई करने को। मासी जी वगैरह रह गए हैं पीछे, तो उनका वेट तो नहीं करूँगी, चलती ही रहूँगी, क्योंकि वो दोनों मुझसे ज़्यादा ही फास्ट है चलने में, इसीलिए मैं आराम आराम से चलती ही रहूँगी। मेरे तो हो गई है बहुत ही ज़्यादा बस, चेहरा देखो कितना लाल हो गया है। गर्मी तो है, अच्छा हुआ आज धूप भी नहीं है, बादल बादल सा मौसम है, अगर धूप होती तो ज़्यादा ही मुश्किल होती। और साथ में मैं पानी लाना भी भूल गई हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी मुझे, क्योंकि मुझे पानी चढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा चाहिए पीने के लिए, पानी के बगैर मुझसे चला भी नहीं जाता। अब पानी की बोतल तो भूल गई हूँ, मगर बीच बीच में कहीं पर पानी के स्रोत है तो वहीं पर ही पानी पी रही हूँ, मगर उससे गुजारा नहीं हो रहा है, क्या करे, चलना तो पड़ेगा ही। मम्मी वगैरह तो पहुँच गए होंगे आधे रास्ते में भी, क्योंकि वो लोग बाइक से गए हैं छाया और मम्मी, हमें तो कोई लिफ्ट मिली भी नहीं। चलो चलते हैं फिर। वहाँ पर नीचे किया था मैंने पहला रेस्ट, अभी तक भी नहीं आए मासी जी, तो कोई नहीं, मैं तो चलती ही रहूँगी।
वहाँ जंगल में देखो आग लग गई है, शायद किसी ने जला रखी होगी ऐसे ही झाड़ियाँ जलाने के लिए, या किसी ने आग सेकने के लिए। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, पता नहीं थोड़ी देर बाद कहीं बारिश ही ना हो जाए। आज तो छाता भी भूल गए हैं घर में, ना तो आज पानी की बोतल आई है और ना ही छाता। पानी की बोतल भी बहुत ही ज़रूरी थी। वहाँ पर मासी जी भी आ गए हैं, देखो नीचे वहाँ पर पानी के लिए है तो एक नलका भी, पता नहीं उसमें पानी होगा कि नहीं, देखते हैं। थोड़ा सा ही पीऊँगी मैं, मुझे पानी दिख गया है तो मैं फटाफट पी लेती हूँ। ऐसे तो ज़्यादा नहीं पिया जाता है, बोतल में भर के पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर क्या करें बोतल तो लाई नहीं है, ऐसे ही पीना पड़ेगा। चलो फटाफट पी लेती हूँ। पानी तो पी लिया है, वहां पर है एक डॉगी, वो घर का मालिक, तो चलते हैं। पानी बहुत ही ठंडा था, अच्छा लगा ठंडा पानी पीकर, गला बिल्कुल सूख गया था। तो अभी अभी मम्मी का फोन आया था, मम्मी वगैरह वहां पर पहुंच गए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ पर सारे काम निपटा कर आ जाओ, तो शायद हो सकता है कि मैं आधे रास्ते से ही वापस आ जाऊँ, मुझे ऊपर जाना ही ना पड़े। मम्मी तो पहुँच चुकी है, ये बहुत अच्छा हुआ, वरना इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती। अगर मम्मी जल्दी सेफ्टी होकर आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं पहले वाले रोड के पास, तो अभी जाना है हमें ऊपर दूसरे वाले रोड के पास, फिर जाएंगे हम सीधा रोड टू रोड आगे को, फिर पहुंचेंगे हम। तब तक कर लेते हैं फिलहाल यहाँ पर रेस्ट। रह गया है थोड़ा ही दूर, तो हम पहुंच चुके हैं रोड में। अब करेंगे हम थोड़ी सी चढ़ाई, तो फिर पहुंच जाएंगे हम दीदी के घर में। मम्मी अभी नहीं पहुंची है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं रोड टू रोड पैदल। यहाँ पर है पानी और पानी मैंने थोड़ा सा पी लिया है, अब चलना है हमें ऊपर की ओर। लोग पहुँच गए हैं, बस थोड़ा ही रह गया है। यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा है और दीदी के घर के नीचे पहुँच चुके हैं हम, चलते हैं फटाफट ऊपर की ओर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर में, यहाँ पर रखी हुई है इन्हें प्लाईवुड, तो हम जाएंगे अंदर पहले। यहाँ पर देखो कितने लोग आए हुए हैं, बाहर भी है बहुत से लोग। ये है दीदी के बाकी रूम, तो मैं जाती हूँ बाहर। यहाँ पर देखो ये है पूरा का पूरा खाली, चारों तरफ लगाए हुए हैं शीशे। फ्रेंड हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, आज है दीदी के घर में चोखा मतलब शुद्धिकरण, तो
आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये है दीदी के राजमा, पूरा पतीला भर के है, बहुत सारी राजमा हुई है इनके, बहुत अच्छी लगी मुझे। छत के ऊपर चढ़ गया है छोटा सा मेमना। यहाँ पर देखो, पता नहीं इसे क्या मिल रहा होगा वहां पर खाने के लिए, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। पत्थर वाला घर है, छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए इसमें, पुराने घर ऐसे ही होते थे। ऊपर दिखाई दे रहा है मासी जी का घर, पहनाला वाली मासी जी का, ये वाला घर है उनका, ये वाला। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर दीदी के घर में, तो ऊपर वाले घर में नहीं जाएंगे हम आज, किसी और दिन जाएंगे। तो करते हैं हम फटाफट से पेट पूजा, यहाँ बहुत सारे लोग खा रहे हैं नीचे खाना, तो हम लोग भी खा लेते हैं। खेतों में है लोगों के घोड़े, पहले ये बहुत ही तेज भागते हुए आए ऊपर से। हमारा खाना पीना हो गया है तो निकलने की तैयारी है। छाया हमारे साथ खेल रही है, ये आगे जाने की कोशिश कर रही है मगर मासी जी इसे जाने नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड, जो भी काम था हमारा यहाँ दीदी के घर में तो वो पूरा हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं उसी रास्ते से पैदल घर की ओर। तो करते हैं आपसे बात पहनाला पहुँच कर। फ्रेंड, हम लोग पहुँच चुके हैं अब नीचे नाले के पास, थोड़ा ही दूर रह गया है पहनाला पहुँचने को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे बमसू गांव में दीदी के घर में, क्योंकि उनके घर में था आज शुद्धिकरण। तो हमारा सारा काम हो चुका है ऊपर का कंप्लीट, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।